ओडिशा में हुए भयानक ट्रेन हादसे के बाद अब कई विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के बंदोबस्त के मुद्दे पर सरकार का घेराव किया जा रहा है। इसी संबंध में नागपुर शहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नागपुर रेलवे स्टेशन के रेल प्रबंधक को निवेदन पत्र भी सौंपा है। निवेदन पत्र में सभी रेलगाड़ियों की जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करवा कर ही टिकट वितरित करके सफर करने की अनुमति देने की व्यवस्था करने और हर ट्रेन में पर्याप्त रेलवे पुलिस बल तैनात करने जैसी मांगों को उठाया गया। आज हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो अभी उड़ीसा में जो रेल का अपघात हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बातें हम आम आदमी पार्टी के ध्यान में आई है। वो ये है कि रेलवे प्रशासन में हर एक्सप्रेस में आगे दो बोगी जनरल होती हैं और पीछे दो बोगी जनरल होती हैं, और उड़ीसा के एक्सीडेंट से ये पता चला है कि कई ऐसी डेड बॉडीज़ है जो अनआइडेंटिफाइड है। अब वो जो जनरल बोगी में सफ़र करने वाले जो लोग होते हैं वो सामान्य परिवार से होते हैं, या तो गरीब होते हैं या मजबूरी बस वो सफ़र करते हैं, परंतु हैं वो हमारे देश के नागरिक। यदि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी बॉडियां अनआइडेंटिफाइड रहती हैं, तो उनको सरकार मुआवजा कैसे देगी, यह एक प्रश्न खड़ा होता है। वो बताओ प्रश्न क्या, वो बताओ। जो रेलवे के जो क्लेम्स जो हैं वो क्लेम्स उनको मिल नहीं पाते हैं, और कई परिवार अपने जो परिवार का जो सदस्य खो चुके होते हैं एक्सीडेंट में, उनको अंतिम समय में देख भी नहीं पाते, ये परिवार की बहुत बड़ी त्रासदी होती है। और इसी संदर्भ में हमने आज माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल बोर्ड नई दिल्ली, इनको एक निवेदन दिया है जो यहाँ से माननीय स्टेशन मास्टर के थ्रू वो दिल्ली जाएगा, और हमने कुछ सुझाव दिए हैं जिन सुझावों में कि कम से कम जनरल बोगी में यात्रा करने वाले यात्री की आइडेंटिटी रहे, और ऐसी कुछ तो भी रेलवे बोर्ड अपनी व्यवस्था करे ताकि भविष्य में ऐसा यदि कोई त्रासदी होती है, कुछ तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ से गरीबों को न्याय मिले। मैं एडवोकेट सीएस शर्मा, एनबीसी न्यूज़ के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।